हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथिला चर्च में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी बोर्ड परीक्षाएं भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम आपके कल 3 अप्रैल को, 3 अप्रैल 2024 को जो हिंदी विषय का पेपर होने वाला है, उस पेपर को हम डिस्कस करेंगे। हमने आपके जो 30 तारीख 1 2 को जो भी पेपर हुए हैं, उन सभी को भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया था और उनमें से कई सारे प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूं आज के इस पेपर में से कई सारे प्रश्न आपके कल बोर्ड परीक्षा के पेपर में निश्चित रूप से छपेंगे। तो आप इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार कर लें ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा की कल की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से हो सके। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सही विकल्प चुनकर कोष्टक में लिखिए। देखें, पहला प्रश्न दिया हुआ है, कृष्ण से मिलने द्वारका कौन आया था? कौन आया था? सुदामा। दूसरा, कबीर के अनुसार गाली के बदले गाली देने से, कबीर के अनुसार गाली के बदले गाली देने से क्या होता है? गालियों की संख्या बढ़ती चली जाती है। तीसरा प्रश्न है, स्त्रियों द्वारा साइकिल आंदोलन कहाँ हुआ? तो स्त्रियों के द्वारा जो साइकिल आंदोलन था वो तमिलनाडु के पुडुकोटी जिले के अंदर हुआ था। चौथा है, पक्षी और बादल संदेश देते हैं। पक्षी और बादल किसका संदेश देते हैं? विश्व बंधुत्व का। पांचवा प्रश्न है आपका कि बाज और सांप कहानी में मुख्य रूप से कौन से भाव को दर्शाया गया है? बाज और सांप कहानी में मुख्य रूप से कौन से भाव को दर्शाया गया है? तो इस कहानी में वीरता और कायरता के भाव को दर्शाया गया है। छठा प्रश्न है आपका, सुदामा कृष्ण को चावल की पोटली देने में संकोच क्यों कर रहे थे? इसका कारण क्या था? क्योंकि चावल की भेंट कृष्ण के राजसी साठ जो ठाट पाट है उसके सामने क्या थी? बहुत ही तुच्छ यानी कि हिंती छोटी थी। सातवां, मारा मारा फिरना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का अर्थ होता है मारा मारा फिरना। इस मुहावरे का अर्थ होता है बिना किसी उद्देश्य के घूमना। आठवां, सरल का विलोम क्या है? आप सबको पता है सरल का विलोम होता है बच्चों कठिन। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 9, दीवाने एक स्थान पर टिक कर क्यों नहीं रहते थे? तो दीवाने, जो दीवाने थे उनको ब्रिटिश सरकार कभी भी पकड़कर एक से दूसरी जेल में भेजी रहती थी। जो दीवाने थे उनको, जो ब्रिटिश सरकार है वो कभी भी किसी भी समय पकड़कर एक से दूसरी जेल के अंदर भेजी रहती थी और कभी वे स्वयं ही उससे क्या रहते थे, इसी वजह से वो स्वयं भी उनसे छिपे फिरते थे। इस वजह से दीवाने एक जगह पर टिक कर नहीं रहते थे। दसवां प्रश्न क्या है, प्रत्यय किसे कहते हैं? आप सब जानते हैं कि वे शब्द अथवा शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन देते हैं, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं अथवा अर्थ को पूरी तरह बदल देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। ग्यारहवा है, पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला है पुष्प और दूसरा है पेड़। तो देखो, पुष्प का पर्यायवाची आप क्या लिख सकते हैं? फूल। क्या लिख सकते हैं? फूल। फिर कुसुम। फिर क्या लिख सकते हैं? फूल कुसुम। इसके बाद और क्या लिख सकते हैं इसका? सुमन। इसके बाद क्या लिख सकते हैं? प्रसून। ये सारे इसके क्या हो गए? पर्यायवाची। ठीक है, फिर पेड़ के, तो पेड़ क्या लिख सकते हैं? वृक्ष। फिर क्या लिख सकते हैं? पादप। फिर लिख सकते हैं तरु। फिर लिख सकते हैं विटप। ये इसके पर्यायवाची आप लिख सकते हैं। बारवा, लहरों के गीत गाने का कारण क्या था? तो लहरों के गीत गाने का कारण था बाज की वीरता और साहस। क्या कारण था? बाज की वीरता और साहस। तो यहां पर लिख देंगे कारण क्या था? कारण था बाज की वीरता और साहस, बाज की वीरता और साहस। ठीक है, आगे बढ़े। 13वां, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध किसके लिए किया था? बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध किसके लिए किया था वो आपको बताना है। तो देखें, इसका उत्तर क्या होगा कि जो बिलवासी है उन्होंने रुपयों का प्रबंधन किसके लिए किया था? जाऊलाल के लिए। किसके लिए किया था? जाऊलाल के लिए उन्होंने रुपयों का प्रबंधन किया था। 14वां, बूंद ने लेखक रामचंद्र तिवारी से क्या प्रार्थना की? तो बुंद ने लेखक से प्रार्थना की थी कि सूर्य के निकलने तक
अपने प्राण बचाने हेतु मैं आपकी हथेली का सहारा लेना चाहती हूँ। बुद्ध ने क्या प्रार्थना की थी कि सूर्य की किरण निकलने तक मैं अपने प्राणों को बचाने हेतु आपकी हथेली का सहारा लेना चाहती हूँ। ठीक है, आगे बढ़े प्रश्न संख्या 15। सड़क को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है, कैसे? लिखिए, यानी सड़क को साफ सुथरा रखना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है, कैसे? इसका उत्तर आपको लिखना है। आगे बढ़े प्रश्न संख्या 16। गोपी ने यशोदा को यह उलाहना क्यों दिया कि क्या तूने ही अनोखा पुत्र जाया है? गोपियों ने यशोदा को यह उलाहना क्यों दी है कि क्या तूने ही अनोखा पुत्र पैदा किया है, उत्पन्न किया है? फिर 17वां है, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके एक एक वाक्य बनाइए। जैसे ज्ञान, तो ज्ञान का, तो ज्ञान प्राप्त करने हेतु गुरु की जरूरत होती है। ज्ञान प्राप्त करने हेतु किसकी जरूरत होती है? गुरु की। फिर गाली, सभ्य बालक गाली नहीं देते। फिर हाथ, अपना काम अपने हाथ से ही करना चाहिए। दुश्मन, दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। तो ये आप इस तरह इस पर कोई वाक्य चार बना सकते हैं। 18वां है, वीर सेनानी संसार को भीख मंगा क्यों कहते हैं? वीर सेनानी है वो इस संसार को भीख मंगा क्यों कहते हैं, उसके पीछे वजह क्या है वो आपको लिखना है। 19वां है, सांप किसका प्रतीक है? तो सांप मुख्य रूप से किसका प्रतीक है? कायरता का। किसका प्रतीक है? कायरता का प्रतीक है, क्योंकि इतनी बड़ी धरती और उसकी गुफा के आसपास सुंदर वातावरण होने पर भी उसके मन में किसी भी प्रकार की कोई चाह नहीं है, जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। अपने द्वारा ही बनाए गए सीमित दायरे के अंदर वो रहकर परतंत्रा का जीवन जीवन जीने पर भी अपने आप को सुखी और खुश मानता है। इस वजह से सांप क्या है? सांप कायरता का प्रतीक माना गया है। 20वां है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था, इसके पीछे वजह क्या थी वो आपको लिखनी है। 21वां, विद्यालय परिसर को हम किस प्रकार साफ रख सकते हैं, किन किन तरीकों की मदद से हम हमारे विद्यालय परिसर को साफ रख सकते हैं। 22वां है, निबंधात्मक प्रश्न। देखें, दिया हुआ है आपके सामने एक पद्यांश दिया हुआ है जिसकी आपको सब प्रसंग व्याख्या करनी है। के वह टूटी गसी चानी हती, के है कंचन के अब धाम सुहावत, के पग में अब पहनी न हती, केह ले गजराज अहू ठाटे महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, केह कोमल सेज पे निंद न आवत, के जुड़तु नहीं कोदो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। इस पद्यांश की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। इसके अथवा में भी एक पद्यांश दिया हुआ है, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश की सुगंध भेजती है और यह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इस पद्यांश का आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है, दोनों में से कोई एक करना है। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखो, कर्म के मार्ग पर चलता हुआ उत्साही मनुष्य यदि अनंत फल तक भी न पहुंचे तो भी उसकी दशा कर्म न करने वालों की अपेक्षा अधिक अवस्थाओं से अच्छी रहेगी, क्योंकि एक तो कर्म काल में उसका जीवन भी था, उसके उपरांत फल की अप्राप्ति पर उसे यह पछतावा न रहा कि मैंने प्रयत्न नहीं किया। फल पहले से बना बनाया पदार्थ नहीं होता, अनुकूल प्रयत्न कर्म के अनुसार उसके एक एक अंग की योजना होती है। बुद्धि द्वारा पूर्ण रूप से निश्चय की हुई व्यापार परंपरा का नाम ही प्रयत्न है। किसी मनुष्य के घर का कोई सदस्य बीमार है, वह वैद्यों के यहाँ से जब तक औषध ना लाकर रोगी को देता जाता है और इधर उधर दौड़ धूप करता जाता है, तब तक उसके चित्त में संतोष रहता है। प्रत्येक नए उपचार के साथ जो आनंद का उन्मेष होता रहता है वह उसे कदापि प्राप्त न होता यदि वह रोता हुआ बैठा रहता है। तो यहाँ पर आपको पढ़कर इन प्रश्नों के क्या देने हैं? जवाब देने हैं। देखें, जैसे पहला प्रश्न है, व्यक्ति को अपने जीवन में संतोष कब मिलता है? तो जब व्यक्ति अपने कार्य की सिद्धि के लिए निरंतर क्या करता है? कार्य करता रहता है और उसके लिए अपने जी जान से प्रयत्न करने का परिचय देता है, तभी उस व्यक्ति को क्या होता है? संतोष प्राप्त होता है। दूसरा, किस प्रकार के व्यक्ति को क्रमफल की प्राप्ति न होने पर भी पछतावा नहीं होता? तो जो व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर कार्य करता रहता है, प्रयत्न करता रहता है, परंतु उसको उसका फल नहीं मिलता तो भी उसे कोई पछतावा नहीं होता, क्योंकि उसको विश्वास है कि उसने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भरपूर प्रयास किया था। तीसरा, प्रयत्न किसे कहते हैं? तो बुद्धि द्वारा पूर्ण रूप से निश्चित की गई व्यापार परंपरा को ही क्या कहते हैं? प्रयत्न। चौथा, निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ विलोम शब्द लिखने हैं। असंतोष का क्या होगा? असंतोष का होगा बच्चों संतोष। प्रतिकूल का क्या होगा? प्रतिकूल का होगा बच्चों अनुकूल। ठीक, प्रश्न संख्या 24।
आप कक्षा 8 की विद्यार्थी आशा कुमारी है। अपने प्रधानाध्यापक को पुस्तकालय से पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए क्या लिखना है? एक प्रार्थना पत्र लिखना है। आपके पास कोई किताब नहीं आई या किताब की कमी है तो अपने प्रधानाध्यापक को एक एप्लीकेशन लिखनी है कि पुस्तकालय में से वो पुस्तकें आपको उपलब्ध करवाई जाए। अथवा में दिया हुआ है, पिकनिक जाने के विषय में पापा बेटी में हो रही वार्ता या संवाद को अपनी भाषा में कम से कम 8 पंक्तियों में लिखना है। आप पिकनिक पर जाना चाहते हैं, इस संबंध में आप और आपके पिताजी के बीच में क्या वार्ता हो सकती है, उस वार्ता को आपको कम से कम 8 पंक्तियों के अंदर लिखकर बताना है। 25वां और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। बालिका शिक्षा, युवाओं में इंटरनेट का बढ़ता हुआ प्रचलन, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, और चौथा विद्यार्थी और अनुशासन। इन चारों में से किसी एक आपको विषय पर क्या लिखना है, बहुत ही विस्तृत रूप से निबंध लिखना है। तो ये था आपके हिंदी विषय का पेपर। उम्मीद करता हूँ कल 3 अप्रैल को जो आपके हिंदी विषय का पेपर होने वाला है उसमें कई सारे प्रश्न इस पेपर से निश्चित रूप से छपेंगे। तो आप इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार कर दें ताकि आपकी कल की तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। इसी उम्मीद के साथ आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।